खबर शामिल करते हैं बाडा से, जहां फॉरेस्ट ऑफिसर करीम बख्श मंगरियो लूटमार से बाज नहीं आया। उनकी करप्शन के खिलाफ अखबारात चैनल्स में उनके खिलाफ खबरें आ चुकी हैं, लेकिन महकमा जंगलात की इंतजामिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। सरकारी जमीनों की फसलों पर कब्जे किए गए इल्जाम लगाए गए हैं, जैसे गन्ने, गंदुम, कपास, तमाम सब्जियाँ और दीगर बहुत सी काबिल इस्तेमाल अशिया और जमीनों को पानी फराहम करने वाले बोरों से मशीनें और ट्रैक्टर लेकर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, जिसमें सरकारी जंगलात को इस तरह तबाह किया जाता है जैसे वो विरासत में जंगलात मिले हों। घांघरकोर और कच्ची के जंगलात गोया उन्हें तबाह कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जो कार्रवाई नहीं की गई, दरख्त काट कर फरोख कर दिए गए हैं। करप्शन की मिसाल पूरे जिला लाड़काना का जंगल है, मुलाजमीन में इसका कोई सानी नहीं। ताज़ा आज उन्होंने बाडा डोकरी रोड के साथ खड़े बेडमिश के दरख्तों को गिराकर फरोख्त कर दिया। याद रहे कि करीम बख्श मंगरियों ने पुराने गैर जुड़े जड़ी बूटी वाला हरीर के दरख्त और दीगर कई कीमती दरख्तों को काटकर सड़कों से हसाया हटा दिया है। इस खबर के ब्रेक होने के बाद भी सिंध हुकूमत और आला हुकाम करीम बख्श के सामने खामोश रहे, ताहम सोशल मीडिया के जरिए इस रास फाश होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।